सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस, आज की जो ये वीडियो है ये शॉर्ट में है सीबीसी के बारे में। तो आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। गाइज यहां पर मैं आपको दो सीबीसी रिपोर्ट दिखा रहा हूं और ये वीडियो गाइज शॉर्ट है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो यूट्यूब पर सीबीसी बाय पासी चैंप कर अगर सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। ओके गाइज, तो यहां पर जो पैरामीटर आपको ध्यान में रखने ही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। तो गाइज जो सबसे पहला चीज़ आपने जो ध्यान रखना है, वहां पर हर सीबीसी रिपोर्ट में आपको टेस्ट दिखेगा, फिर आपको यहाँ पर पेशेंट की वैल्यू दिखेगी और यहाँ पर नॉर्मल रेंज दिखेगी, जैसा कि आप दोनों रिपोर्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ है गाइज वो है हीमोग्लोबिन। आपके शरीर में कितने ग्राम खून है यहाँ पर आप देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन पेशेंट की वैल्यू यहाँ पर 12.3 दी हुई है और नॉर्मल रेंज यहाँ पर 13.5 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर दी हुई है। और गाइज जो नॉर्मल रेंज है ये मेल और फीमेल्स की अलग अलग होती है। मेल्स में ये जो नॉर्मल रेंज है ये ज़्यादा होती है, लेकिन फीमेल्स में ये कम होती है। फीमेल्स में कम होने का कारण उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। हीमोग्लोबिन देखने के बाद आपने वाइट ब्लड सेल देखने हैं, जिसे TLC कहते हैं, मतलब कि टोटल लीकोसाइट काउंट कहते हैं। जो WBC काउंट्स है गाइज ये श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, मतलब कि ये फाइटर सेल होते हैं। और जो इनकी नॉर्मल रेंज है ये 4000 से 11000 के बीच में होती है। अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन होगा तो ये बढ़ जाते हैं। आगे है गाइज डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट, जिसे DLC कहते हैं, और ये क्या बताती है कि आपके 100 जो सेल्स हैं उसमें ये जो 5 तरह के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट और बेसोफिल्स, ये कितने हैं 100 सेल्स के अंदर। तो यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स कब बढ़ते हैं, जब भी किसी को एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है या फिर रिसेंटली इन्फेक्शन होता है या फिर पस फॉर्मेशन है। और न्यूट्रोफिल्स को आप सामान्यतः तब भी देख सकते हैं अगर आपके चेहरे पर पिंपल होता है, और जब आप उस पिंपल को फोड़ते हैं, फोड़ने के बाद जो बाद में येलो कलर का फ्लूड निकलता है वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। अगला है गाइज लिम्फोसाइट, और ये आपको जो खास तौर पर वायरल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है या फिर आपको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तब आपको लिम्फोसाइट बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इसकी नॉर्मल रेंज देख सकते हैं। आगे है इओसिनोफिल्स गाइज, तो इओसिनोफिल्स तब एक्टिव होते हैं जब आपकी केमिकल से रिएक्शन होती है या फिर आपके पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है या फिर रिंग वॉर्म्स में भी ये बढ़ जाते हैं। आगे है गाइज मोनोसाइट, और ये तब बढ़ते हैं जब पेशेंट को क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है उसको निमोनिया काफ़ी लंबे समय से है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है। आगे है गाइस बेसोफिल्स, और ये तब बढ़ते हैं जब आपको किसी से रिएक्शंस होती है या फिर जो Type 1 एलर्जी रिएक्शन होती है, आप कोई ड्रग ले रहे हैं या फिर कोई इंजेक्शन है या फिर आपको किसी चीज़ से एलर्जी हुई है बहुत ही जल्दी क्विकली हुई है, तब ये जो बेसोफिल्स हैं ये बढ़ जाते हैं। तो आगे है गाइस इकाउंट, और गाइज इसी का ही रूप है PCV, जिसे हिमेटोक्रिट कहते हैं, और ये इंडिकेट करता है सेल का जो वॉल्यूम है कितना है, मतलब कि ये जो सेल है उसके अंदर का फ्लूड कितना है ये दर्शाता है। और अगला है गाइज प्लेटलेट्स, जिसके काउंट्स 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होते हैं, और अगर ये कम हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। और सामान्यतः ये अगर आपको वायरल इन्फेक्शन होता है जभी आपको प्लेटलेट्स कम देखने को मिल सकती हैं, और जो वायरल इन्फेक्शन में गाइज WBC काउंट्स भी कम हो जाते हैं। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगी। तो गाइज ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।